ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत के इस बड़े बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है RBI ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए यह खबर। करोड़ से भी ज्यादा घोटाले के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इस बैंक का लाइसेंस आखिरकार निरस्त कर ही दिया, और इसके सभी खाताधारकों को सूचित किया जाता है कि यह खबर और अपडेट जरूर देख ले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर भारतीय बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं फटाफट से कि आखिर किस बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने लाइसेंस निरस्त कर दिया, और उस बैंक के खाताधारकों के जमा पैसे का क्या होगा, और अगर आपका भी उसमें खाता है तो अब आपको क्या करना चाहिए। सारी डिटेल और जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों आप इस वीडियो को बीच में बंद करने की भूल कर गलती से भी गलती मत कर देना, वरना आप फिर मुझे कहोगे कि यार DLS भाई ये परेशानी हो रही है वगैरह वगैरह कमेंट्स करोगे। क्योंकि दोस्तों मैं हमारी पूरी DLS न्यूज कम्युनिटी के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनको सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं बल्कि फैमिली मेंबर मानता हूं, और उसके नाते मेरा ये फर्ज बनता है दोस्तों कि आपको हर एक काम की खबर का सही अपडेट दिया जाए, ताकि आपको बिना वजह एक रुपए का भी नुकसान नहीं हो और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों यहाँ पर बात करें किस बैंक का लाइसेंस निरस्त किया है, तो यहाँ पर यह खबर और अपडेट निकल कर आ रहा है। दोस्तों यदि आपके 1 लाख रुपए इससे कम रुपए जमा है तो आपका खाते में जमा पैसों का क्या होगा। ऐसे में आपको बता दें कि जब भी कोई बैंक दिवालिया होता है दोस्तों, तो RBI के नियमों के अनुसार ऐसी परिस्थिति में किसी भी बैंक का दिवालिया साबित करना और लाइसेंस निरस्त करना जरूरी हो जाता है। फिर चाहे वो कोई भी बैंक हो दोस्तों, SBI, PNB, कैनरा, HDFC, ICICI, सिटी यूनियन बैंक, यस बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर के सभी बैंकों के ऊपर ये नियम लागू होता है। दोस्तों अगर आपका उसमें 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा रुपए भी जमा है तो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके 1 लाख रुपए का इंश्योर्ड कवर आपको देता है। उसके बाद जितने भी रुपए जमा होते हैं उनको बैंक दिवालिया घोषित होने के बाद बैंक की एसेट्स और संपत्ति को बेच करके सभी खाताधारकों में बराबर बराबर डिवाइड किया जाता है। ऐसे में दोस्तों आपके 1 लाख रुपए ही सुरक्षित रहते हैं किसी भी बैंक में हो, ये स्ट्रिक्टली नियम है। इससे आपको ये ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि अगर आप 10 लाख 15 लाख रुपए बैंक खातों में जमा रखते हैं तो किसी भी एक बैंक के खाते में जमा ना रखें, अलग अलग बैंकों में उसको रखें, ताकि आपको भविष्य में कभी कोई नुकसान का रिस्क नहीं रहेगा। और ये जो भुगतान होता है दोस्तों ये भी DICGC एक्ट 1961 के तहत होता है। ऐसे में दोस्तों ये जो बैंक है, आप देख पा रहे होंगे कि RBI ने इस बैंक का लाइसेंस तो निरस्त कर दिया, और अब RBI और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां की गाइडलाइन और निर्देश के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। लाइसेंस निरस्त का कारण रहा दोस्तों फर्जी लोन तो बांटा ही, साथ में रिकवरी में भी लापरवाही बरती, जिससे 20 साल पुराना बैंक जो था महिला अर्बन बैंक, यहाँ आप देख पा रहे होंगे उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। और ये जो बैंक था दोस्तों राजस्थान स्टेट भिलवाड़ा लोकेशन के अंदर स्थित था। करोड़ों के घोटाले में फंसा महिला अर्बन बैंक बकायेदारों से रिकवरी में विफल हो गया, और आखिरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस निरस्त कर दिया। ऐसे में दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आपका इस बैंक में खाता है या नहीं, यस और नो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1000 करोड़ का घोटाला, 2000 पेज का दस्तावेज सहित ज्ञापन। अगर आपका इस बैंक में खाता नहीं है तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर है भी तो आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार होती रहेगी। साथ ही दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी सबसे बड़ा कितने रुपए का नोट अभी हमारे भारत में चलता है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में दे पाएंगे और एडमिल सेल के DLS टीम की तरफ से आप जीत सकते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टूल्स, गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और दोस्तों PM मोदी गवर्नमेंट के अंदर आने वाली इसी तरह की काम की खबरों और लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करना, तथा पास वाले घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।